नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कन्नौज, गुना में हुए बस हादसे के बाद शुक्रवार को प्रशासन अमला एक्शन मोड पर नजर आया। कन्नौज खातेगांव के में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बस व डंपर के चालकों से एमपी एक्ट के विभिन्न धाराओं में कुल 38 चालान बनाकर 21,500 का समन शुल्क वसूल किया। टीआई विक्रांत झंझोट ने बताया कि एसडीओ ज्योति उमट व एसडीएम प्रवीण प्रजापति के मार्गदर्शन में पुलिस और राजस्व विभाग में विशेष अभियान चलाया। बस व डंपर सहित अन्य वाहनों के चेकिंग का बकाया टैक्स, बीमा, फिटनेस आदि की जांच की गई। चालानी कार्रवाई की गई। यादव बस MP09 PA0341 में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर बस को जब्त कर न्यायालय प्रकरण बनाया और थाने में खड़ा करवाया। मौके पर सभी चालक परिचालक को नियमों की जानकारी दी। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि 5 दिन तक अभियान चलाया जा रहा है। सतवास में भी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। सर, नेशनल हाईवे पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि अभी आपको पता है कि प्रदेश में विगत दिनों एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें बस और डंपर के एक्सीडेंट में 13 लोगों की गुना जिले में दुखद मृत्यु हुई। उसी संबंध में शासन प्रशासन और विभाग के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो भी ओवर स्पीड बसेस हैं या जो भी ओवर स्पीड डंपर्स वगैरह हैं, उनके फिटनेस वगैरह और उनकी जो भी ओवर स्पीडिंग के जो चालान होते हैं, उसके संबंध में कागज चेक करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से खबर समय जगत के लिए महबूब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.